प्यारे व्यूवर्स का झलक लाइफस्टाइल ज्योतिष चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम चर्चा करते हैं श्रावण माह के विशेष उपाय। तो दोस्तों ये लेट हुआ, लेट इज बेटर देन नेवर, लेकिन फिर भी चलिए देर आए दुरुस्त आए। ये वीडियो हम आज अमावस है, श्रावणी अमावस है, आप सभी को शुभकामनाएं। आज के दिन आप शाम के समय एक विशेष उपाय अवश्य कर लें कि कोई भी बर्तन, लोटा हो या कोई भी बर्तन, एक पानी भर करके आप अपने किचन में जहाँ पर आपका जल स्रोत है वहाँ उसके नीचे रखें और उसके साइड में आप किनारे में शाम को एक दिया अवश्य जला दें। यह है आपको उपाय, अगले वर्ष श्रावण माह तक लाभ प्रदान करता रहेगा। दूसरा, प्रतिपदा से शुरू करके पूर्णिमा तक जब भी बारिश हो, आप जहाँ पर भी रहते हैं, जिस स्थान पर भी रहते हैं, जब भी बारिश हो जाए तो बारिश का अच्छा सा काफ़ी अमाउंट में आप पानी जो है एकत्र करके रख लें और इस समय इसी जल को आप समय समय पे यूज़ भी कर सकते हैं। अगर कोई ज़्यादा कष्ट आता है तो आप किसी नीम के पेड़ के पीछे, नीचे या बरगद में या पीपल के पेड़ में आप शनिवार को अर्पित करें। अब आइए दोस्तों इस समय में डूज एंड डोंट्स। इस समय में श्रावण माह में जो है, जो खुदाई है मकान का जब शुरुआत करी जाती है, जो खुदाई है वह नहीं करना चाहिए और जो उपाय मिट्टी में दबाने वाले उपाय हैं वह भी इस समय में प्रतिपदा से पूर्णिमा तक शुरू नहीं करने चाहिए। और इस माह में हरे पत्तेदार सब्जियां आप जितना कम खाएं, अवॉइड कर सकें तो अति उत्तम होगा। और जो सांप पालने वाले होते हैं उनको जो है अवश्य आप कुछ दक्षिणा या कुछ खाने के लिए भोजन, अगर आपको जब भी वो मिले तो आप उन्हें अवश्य दे दें। इस समय में दोस्तों सांप निकलते भी हैं या घर में भी आ जाते हैं तो उनको कभी भी मारे नहीं, कष्ट नहीं करें, कोशिश करें कि दूध पानी मिक्स करके उनके ऊपर डाल दें ताकि वो अपने आप ही वहां से चले जाते हैं। और देखिए दोस्तों, जब भी संभव हो तो किसी न किसी जरूरतमंद को आप चाहे पैसे से, चाहे दवाई से, चाहे किसी भी चीज से आप जो है अवश्य मदद कर दें इस महीने में। और दूध का उपयोग जो है, यूज जो है दोस्तों, रात में नहीं करें। दोस्तों श्रावण अमावस्या और श्रावण पूर्णिमा पर महादेव का शिवलिंग पर जो पंचामृत अर्पित किया जाता है उस पर आपको विशेष ध्यान रखना है कि वह पीतल का अगर बर्तन हो तो अति अति उत्तम होगा, शुभकारी होगा, या चांदी का कोई बर्तन हो। इसमें जो है पंचामृत आप अगर स्टील के बर्तन में या कॉपर के बर्तन में अवॉइड करें, उसमें नहीं डाला जाता है, क्योंकि जो पंचामृत रहता है उसमें हम थोड़ा सा घी, शहद, दही, दूध, कच्चा दूध और जल रहता है तो, और मीठे में मिश्री रहती है या चीनी आप डाल सकते हैं। तो वह जो बर्तन है आपका पीतल का या चांदी का बर्तन हो तो बहुत सुंदर उसका लाभ होता है, कॉपर का बर्तन बिल्कुल भी भूल करके भी ना लें। और दोस्तों उपाय जो पूर्णिमा या अमावस को है या बीच में भी अगर आप एकादशी को करते हैं तो सूर्योदय के समय सुबह, मतलब सूर्योदय के एक घंटे के अंदर अंदर और शाम को सूर्यास्त से पहले आधा घंटा और बाद में आधे घंटे तक आप कर लें तो बहुत सुंदर लाभ आता है। इस समय में दोस्तों सफ़ेद रंग के फूल हो सकें तो महादेव पर, शिवलिंग जी पर अर्पित करना बहुत शुभकारी होता है प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक। और दोस्तों इस समय में जो मिली जुली रंग की सब्जियां हैं जैसे कि मूली है, नींबू है, पीले टमाटर हो गए, हरी सब्जियां हो गई, हर तरह की मिली जुली सब्जियां, कम से कम 7 प्रकार की सब्जियां अगर आप किसी धर्म स्थान में दे पाएं तो अति उत्तम लाभ, घर परिवार में शुभता प्राप्त होती है। और इसी प्रकार से बच्चों की पढ़ाई के लिए कल का बहुत दिन जो है वो बहुत उपयोगी है, कल के दिन आप कम से कम 4 फल या 5 या 7 इस तरह से आपने जो है वह बच्चों में कहीं पर भी बांटते हैं आप। हरे रंग के फूल लें, अपने फ्रूट्स लें तो बहुत शुभकारी होगा अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए। विशेष दिन है, कल ये उपाय आप कर लें। और इसी प्रकार से जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं वह मिले जुले 7 प्रकार के रंग के जो हैं, अलग अलग कलर के, जैसे कि चीकू है, हरा हो गया, पीला हो गया, सब तरह के मिक्स जो हैं 7 प्रकार के फल लेकर के किसी धर्म स्थान में या कहीं पर जहां बच्चे हों वहां पे आप इस समय में दें ताकि आपको शुभता प्राप्त इस बात की हो। तो दोस्तों इस प्रकार से यह एक वीडियो, इसका आप लाभ उठाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।